कोणार्क अपना शहर अपनी बात। प्रधानमंत्री जन औषधि मेडिकल स्टोर्स जी एक चेन आहे जैमा एक मेडिकल स्टोर उल्हासनगर बें जे नेहरू चौंक ते खुल्यो आहे जिते अफोर्डेबल प्राइजेस ते काफ़ी अंदाज में दवाऊं मिलन थियूं। असा उन दुकान ते वयासीं ए उन दुकानदार सा मुलाकात वरतीसीं। बढ़ती महंगाई के चलते आम नागरिक की हालत काफ़ी त्रस्त है और ऐसे में दिन ब दिन जिस प्रकार से इलाज में आने वाली महत्वपूर्ण दवाइयों के भी जो दाम है आसमान को छू रहे हैं, इसी के चलते सरकार द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना जो है पूरे देश भर में चलाई जा रही है, जिसमें मेडिकलों में जो है महंगी दवाइयां जो कि आजकल बाज़ारों में मिलती है, जो मेडिकलों में मिलती है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, आम आदमी के लिए काफ़ी दिक्कतें हो जाती है कि वो महंगी दवाइयों को किस प्रकार से ले। तो अब जो है प्रधानमंत्री योजना के तहत जिस प्रकार से ये राहत की बात लोगों में आ चुकी है कि जन औषधि करके ये जो योजना के तहत दवाइयाँ मार्केटों में अब आपको मिलेगी जो कि काफ़ी सस्ते दामों में मिलेगी, और जो कि बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती है जिसके लिए दवाइयां जब हम लेने के लिए जाते हैं तो महंगी होने के कारण हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर ले नहीं पाते, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जो है इस योजना के तहत जो है अब आपको सभी तरीके की बीमारियों की जो है दवाइयाँ आम दाम में मिलेगी, यानी सबसे कम दामों में मिलेगी। ऐसे में हम उल्हासनगर के 2 नंबर के मेडिकल में मौजूद है जहाँ पर इस योजना के तहत जो है दवाइयाँ मिलती है, तो जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि काफ़ी ऐसी दवाइयाँ जो होती है जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते लोग क्योंकि महंगी होती है और कई कंपनियां जो रहती है ज़्यादा चार्जेस लगाती है, लेकिन अब जो योजना के तहत जन औषधि जो कि दवाइयां अब देखने को मिली है मेडिकल्स में, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे किस तरीके से लोग राहत दे पाएगी। सर, ये जो जन औषधि परियोजना है, ये जन औषधि भारतीय प्रधानमंत्री के नाम से होती है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र करके दुकान खोले हैं। ये 3000 मेडिकल स्टोर्स पूरे हिंदुस्तान में खोलेगी सरकार। इसमें क्या है कि जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स है, हार्ट वाले और अपना डायबिटीज़ वाले, इवन नॉर्मली एंटीबायोटिक्स आते हैं, पेन किलर्स आते हैं, एंटा एसिड्स आते हैं, कैल्शियम वगैरह की गोलियां आती है, मोर देन 1000 ब्रांड्स आर अवेलेबल नाउअडेज। इतना सस्ते दाम में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी शुगर की दवाइयाँ हैं, वोगलीबस 0.3 और मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशन आता है गिल्मीप्राइड के साथ में। बाज़ार में इसका दाम एक स्ट्रिप का कम से कम नहीं तो भी 150 से 200 रुपये है, हमारे यहाँ पे इसका दाम सिर्फ 25 रुपये है। इसी प्रकार से दूसरी दवाइयाँ हैं जो बीपी की, ये जैसे हमारे पास पड़ी है मेटोप्रोलॉल 25 मिलीग्राम, ये मार्केट में आपको मिलती है आज के तारीख में कम से कम 60 से 70 रुपए की, हमारे पास सिर्फ 5 रुपए की, मात्र 5 रुपए, 50 रुपए में पूरी 100 गोलियां मिल जाती है। इसी प्रकार से जो स्किन के इन्फेक्शन के ट्यूब्स हैं, ये बाज़ार में 70 से 80 रुपए कॉस्ट करते हैं, हमारे पास सिर्फ 11 रुपए और 10 रुपए और 15 रुपए में उपलब्ध है। इसी तरह से पेन किलर जो ट्यूब आता है बाज़ार में, वो आता है 70 से लेकर 150-200 रुपए तक, हमारे पास मात्र 17.5 रुपए में। ये जो दवाइयां हैं पेशेंट्स को जो भी हैं जिनको सस्ती चाहिए उनके लिए उपलब्ध किया गया है, और ये जो दवाइयां हैं ना भारत सरकार की ओर से जो उनकी कंपनीज है IDPL बंगाल केमिकल और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक, उनसे बनाया जाता है, मतलब टॉप ग्रेड कंपनी से बना के कंपनी रेट में पेशेंट्स की सुविधा के लिए उपलब्ध की गई है। तो लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य और उनके पैसे की बचत के लिए बनाया गई योजना है सरकार की ओर से। इसमें न कोई गरीब है, न कोई रईस है, न कोई शाहूकार है, सबको इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि मेडिसिन हर कंपनी की सेम रहती हैं, ये जो भी ब्रांड्स हैं ना ये सब जेनरिक रहते हैं, ब्रांडेड अपन उसको बोलते हैं जो रिसर्च प्रोडक्ट होता है, पैटर्न मेडिसिन होती है, बाकी सब जेनरिक रहती हैं, मेडिसिन सब सेम रहती है, कोई फ़र्क नहीं रहता है, आपके अपने पैसे बचेंगे, आप अपना फ़ायदा लीजिए। सर, एड्रेस जानना चाहेंगे कि कहाँ पर ये जन केंद्र आपका जो है लोकेटेड है? सर, ये मेरा नेहरू चौक के पास है, जो हॉस्पिटल रोड जाता है, बस वहाँ से नेहरू चौक से 2 मिनट का पैदल है, आप किसी से भी पूछते हैं तो आपको पता चल जाता है, शिव प्लाजा कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 5 उल्हासनगर 2 में है सर। तो बहरहाल जिस प्रकार से अब ये जो राहत लोगों तक पहुंचेगी कि जो दवाइयां जो कि आसमान के भाव छू रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं राहत जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत जो केंद्र चालू किए जाएंगे, यानी कि जन औषधि केंद्र जो बनाए जाएंगे, जो बहुत जल्द ही शहर में और भी जगहों पर देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को राहत मिल पाएगी कि जो दवाइयाँ महंगी होती थी, जिससे तकलीफें होती थी, दिक्कतें होती थी खरीदने में, अब वो जो है नागरिकों को मिल पाएगी। और ऐसे में ये बात भी है कि जो दूसरे मेडिकल्स होते हैं वहाँ पर भले ही ये दवाई
दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन बहुत जल्द ही ये केंद्र जो है और भी जगहों पर शहर में और पूरे देश भर में खोले जाएंगे, ताकि आम नागरिकों तक इस बढ़ती महंगाई के चलते कम और सस्ते भाव में दवाइयाँ पहुँचाई जाए।